आप देख रहे हैं कि भारत बंद के दौरान 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसे समाज आरोप लगा रहा है उसको लेकर आज जिला कलेक्टर खैरथल में ये धरना, गेट के सामने धरना पे बैठे हैं लोग। आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और जानेंगे। जी बताइए क्या है पूरा मामला, क्या है ये? 2 अप्रैल के केस हुए थे अपने, 2018 की बात है, जिसमें SC ST जो कानून है उसमें BJP की जो सरकार थी उसने फेरबदल किया था, जिसमें हमारे SC समाज के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने एक माहौल तैयार किया जिससे कि पूरा देश का बंद का आह्वान किया और संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे सभी देश के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद किया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए अपना समाज के लोगों ने मतलब कि वो दिखाया विरोध प्रदर्शन। उसके बाद में जो यहाँ की सरकार थी, BJP सरकार उस टाइम थी, BJP सरकार ने हमारे अलवर जिले के अंदर में लगभग सैकड़ों लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। और उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत ने घोषणा की थी कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो ये झूठे मुकदमे BJP सरकार ने लगाए हैं इन्हें हम वापिस लेंगे, लेकिन वो मुकदमे वापिस नहीं लिए गए, सिर्फ वो घोषणा रह गई। और यहाँ हमारे यहाँ मतलब कि एक भाई था हमारा पवन जाटव, जो अपना शहीद भी हुआ था, उनके गोली लगी थी उनके, तो इसी तरीके से पूरे देश में 13 जो लोग थे वो शहीद हुए थे, तो उसके विरोध में अभी तक वो केस वापस नहीं हुए, तो उन्हीं केस को वापस कराने के लिए इस समाज के क्रांतिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं और अपनी बात को रखेंगे कलेक्टर साहब के सामने और हमारी बात ज्ञापन के तौर पर वहाँ जाएगी। अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाती है तो इसमें कुछ समय देंगे, हमारी जो कमेटी बनाई जाएगी वो समय के हिसाब से अगर ये कानून नहीं ये केस वापस नहीं लिए गए तो उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ होगा और जन आक्रोश आंदोलन होगा, उसमें सारी जो जिम्मेवारी होगी वो शासन प्रशासन की होगी, चाहे ये आक्रोश आंदोलन क्यों ना करना पड़े हमें। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 2 अप्रैल को जो ये घटना हुई थी उसी को लेकर आज खैरथल जिले के गेट के सामने धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। लंबे समय बीत गया है और इसकी मांगों पूरी नहीं की गई है, जिसके ये लोग बता रहे हैं। अब इन मांगों को कब तक इसको पूरा होगा और भी लोग मेरे साथ बात करने के लिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागचंद बैरियर है, मैं पूर्व सरपंच हूँ रैणी से और वर्तमान में भीमसेना में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम जो सभी साथी आए हैं क्रांतिकारी साथी, वो 2 अप्रैल 2018 को जो राजस्थान सरकार BJP सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट BJP सरकार थी, तो राजस्थान सरकार ने पूरे भारत में ST SC एक्ट कानून के विरोध में हमारे समाज के लोगों ने एक बंद, भारत बंद का आह्वान किया था। उस भारत बंद के आह्वान पर सबसे ज्यादा जो मुकदमे राजस्थान में BJP सरकार ने दर्ज किए थे और 13 लोग हमारे जो शहीद हुए थे भारत में, उसी कानून के खिलाफ हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे BJP सरकार ने लगाए। तो गहलोत सरकार ने कहा था, गहलोत ने उस टाइम कहा था, भाई आप लोग राजस्थान में अगर मेरी सरकार लेके आते हो, कांग्रेस सरकार लाते हो, तो इन मुकदमों को हम वापस ले लेंगे। अभी सरकार को जाने में मात्र 2 महीने बचे और सरकार ने जो अपने वादे किए थे वो झूठे वादे किए, वो सरकार ने वादे नहीं निभाए। तो आने वाले टाइम में हम इन क्रांतिकारियों के साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि 2 महीने बाद चुनाव है। गहलोत सरकार जी, आप भी गहलोत यहीं हैं और हम भी यहीं हैं। जो वोट देने वाले लोग थे, आपको सरकार लेके आए थे, वो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं और सरकार को बढ़ा भी सकते हैं। आप लोगों ने जो वादे किए थे, अब जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस हम लेंगे और आप हमें सरकार बना के दीजिए और हम आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। हमारी समाज ने ये जो वोट आपको दिए थे, आपकी सरकार हमारी सरकार, हमारी समाज के बदौलत ही सरकार बनी थी। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में SC ST जो लोग हैं वो कांग्रेस सरकार को वोट देते हैं, वो गहलोत सरकार उनके खुद के वादे पर नहीं निभाए। आने वाले टाइम में गहलोत जी आपको पता लगेगा ये लोग हैं जो आपको वोट नहीं देंगे। अगर आपने SC ST के कानून 2 महीने में वापस नहीं लिए तो पूरे राजस्थान में आपका विरोध होगा और आपको वोट नहीं देंगे। क्रांतिकारी जय भीम, भागचंद बैरियर, भीमसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान। तो आप लोगों का आगे का स्टैंड क्या होगा अगर आपकी बातों को नहीं माने जाती है? और ऐसी समाज का विधायक नहीं है, वो OBC से आते हैं लेकिन वो ST SC से जीते हैं ना, BSP से जीते हैं। BSP एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी समाज विशेष की पार्टी नहीं है, वो सभी को तवज्जो देती है। लेकिन वो लेवल लोगों ने लगा रखा है BSP पार्टी समाज विशेष की है, ऐसा कुछ नहीं है। BSP पार्टी सबकी है, BSP को प्रत्येक समाज वोट देती है। अगर आने वाले टाइम में BSP चुनाव लड़ती है, ये MLA चुनाव लड़ता है, तो इस MLA ने अभी तक हमारी समाज की कोई बात को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, राजस्थान सरकार के सामने नहीं रखा है। आने वाले टाइम में MLA जी को हार का सामना करना पड़ेगा और कुछ लोगों को उन लोगों ने अभी बरगलाने का काम किया है, जिससे जनसंख्या कम दिख रही है आपको। आने वाले टाइम में आपके समाज की बात करें, जो मुझे जैसे सूचना मिली है, लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जिन जिन पर मुकदमे दर्ज किए हैं उन्होंने प्रेस नोट जारी
नोटिस किया कि हमें इस धरना से, इस रैली से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग क्या धरना, आपके लोग ही फूटे? ऐसा कुछ नहीं है, उस धरने उस जो भी प्रेस नोट किया उसको हम खंडन करते हैं। ऐसा कोई प्रेस नोट नहीं है, समाज के सारे लोग हैं, समाज के सारे लोग आए हैं, और जो सरकार के सामने जो मांग रखी जाती है वही क्रांतिकारी साथी है, यही हमेशा सरकार के सामने लड़ते हैं और मुकदमों को वापस करवाएंगे दम तक, लास्ट तक। जो हमारी समिति है वो फैसला करेगी, वो सबका सर्वमान्य फैसला होगा, और सरकार को वापस मुकदमे लेने पड़ेंगे, अन्यथा पूरे राजस्थान में विरोध झेलना पड़ेगा इस चीज के लिए। पार्टियों के भेजे हुए लोग हैं, ये क्रांतिकारी लोग नहीं है, कोई भी पार्टी के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, और उनके कहने से भीड़ रुकने वाली नहीं है और ना उनके कहने से कोई मुकदमे हटने वाले, मुकदमे हटवाएगी ये जनसंख्या, ये भीड़, ये हमारी एकता। तो आप देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, लोगों में इस तरह के धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, अब इनकी मांगे कब पूरी होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बताइए, आने वाले टाइम में अलवर जिले में हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं पूरी एससी समाज का। वो प्रोग्राम ये होगा, गहलोत जो सरकार है उसको हम लोगों ने वोट दिए थे, पूरे राजस्थान के जो मुकदमे थे अभी तक पूरे राजस्थान में एससी के मुकदमे वापस नहीं हुए, अगर एससी के मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और गहलोत सरकार को इसको मुंह की खानी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में सरकार को जवाब देना पड़ेगा एससी समाज को, जिससे ये जो मंत्री संतरी बने बैठे हैं एससी के वोटों से, और आने वाली जो रिजर्व सीटों पर बैठे बैठे हैं इनको जवाब देना होगा और ये मुकदमे वापस करवाने होंगे। हमारा यही निवेदन है इस धरने के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से, हमारा रोष सरकार के खिलाफ प्रशासन के माध्यम से, यहाँ के कलेक्टर के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी आपको मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है, भीमसेना प्रभारी हूँ किशनगढ़ से। जी, ये जो हमारी जो मांगे हैं ये 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी जो युवा साथी थे, जो लोग थे, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमारी मांग है सरकार से कि ये इन झूठे मुकदमे को वापस ले। अगर ये सरकार मुकदमे वापस नहीं लेती है तो इनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। हम इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इन लोगों ने हमारे लोगों को मतलब कि झूठे आश्वासन दे दे करके बेवकूफ़ बना रखा है। अगर ये झूठे मुकदमे वापस नहीं लेते तो हम इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और एक जुट रहकर विरोध करेंगे। जय भीम। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अब ये मांगे कब पूरी होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं और लोग इस तरह के हर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं, और अब ये देखना होगा कि क्या इनकी मांगे और कब पूरी होगी। 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट में जो बदलाव किया गया था, वो एक्ट इस ST ST समाज के लिए एक सुरक्षा का कवच है, और उसमें जब बीजेपी सरकार ने जो बदलाव किया, वो बदलाव इतना किया कि ये समाज बिल्कुल असंतुष्ट था और अपने आक्रोश में था, जिसको लेकर 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, और वो जन आंदोलन उसी एक्ट को सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। लेकिन यहाँ की जो निकम्मी सरकार है और वर्तमान की भी जो निकम्मी सरकार है, उन दोनों की मिलीभगत से जो पिछली सरकार थी उसने यहाँ के जो युवा साथी थे उन पे मुकदमे लगाए, वो भी झूठे मुकदमे लगाए, और जो अब वर्तमान सरकार है उसने ये वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन झूठे मुकदमों से इन क्रांतिकारी साथियों को आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज 4.5 साल गुजरने के बाद भी ये सरकार उन झूठे मुकदमों को वापस नहीं ले पाई है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये समाज, इस समाज का हर व्यक्ति हर गांव कस्बे ढाणी में निवास करता है, और अगर 70 साल से ये सरकार अगर राज कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ SC ST की बदौलत कर रही है। अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो मैं ये कहता हूँ गहलोत सरकार से कि गहलोत सरकार अपने बोरे बिस्तर बांध ले और अपने घर आराम से बैठ जाएं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। 2 अप्रैल को जो कांड हुआ था SC ST में, वो भाइयों ने हमारा मुकदमा लेना उल्टा है, ठीक है ना, और जो हमारे जो जिस टाइम BJP सरकार थी, हमारे विधायक रामेश जी थे, उनके बाद जो कि जब चुनाव हुआ 2019 में, तो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि जो मुकदमे हैं वो उल्टे ले लिए जाएंगे हमारे SC ST, वे उल्टे अभी तक नहीं लिए गए। 4.5 साल बीत गए, 2 साल बाद अभी 2 महीने बाद में,
तो भी वो लग जाएंगे, तो उसके बाद हम इसके कारण ही ये वो कर रहे हैं। थैंक यू अजयपाल। लगातार लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब ये मांगे कब पूरी होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं और लोग इस तरह के हर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या इनकी मांगे और कब पूरी होगी। लगातार हम इस खबर पे बने हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।